तो अब क्वेश्चन आता है कि जो इथेरियम की जो माइनिंग है जो बड़े स्केल में चल रही है, क्या वो बंद हो जाएगी? इथेरियम मर्ज के बाद आप इथेरियम कैसे अर्न कर सकते हैं? क्योंकि हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे इथेरियम मर्ज के बारे में। तो कुछ दिन पहले मैंने इथेरियम मर्ज के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाया था यूट्यूब पे, और उसको बनाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार ये जो इथेरियम मर्ज का जो टॉपिक है बहुत बड़ा है और बहुत मेजर चेंज है ये इथेरियम नेटवर्क के लिए। तो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाना चाहिए जिसमें आपके सारे मिसकंसेप्शन और सारा कुछ डिटेल में आपसे बात कर सकूं उसके बारे में। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इथेरियम मर्ज क्या है, क्यों हो रहा है, ये कब होने वाला है और क्या इसके कारण इथेरियम की माइनिंग बंद हो जाएगी। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आप मुझे ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी ट्विटर आईडी है क्रिप्टो चाय। तो सबसे पहले बता दूं कि इथेरियम मर्ज का जो ये टॉपिक है कुछ नया नहीं है। इथेरियम मर्ज की जो बातें हैं काफी टाइम से चल रही हैं और काफी टाइम से ये डिले होते हुए आ रहा है, और जो इथेरियम मर्ज है दोबारा से लाइट में आ गया है क्योंकि इथेरियम मर्ज बहुत ही नजदीक है और कुछ ही टाइम में इथेरियम मर्ज हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि इथेरियम मर्ज है क्या। तो राइट नाउ इथेरियम अभी मेन नेट में है, और अगर आपको पता हो तो इसकी एक इथेरियम का जो नेटवर्क है उसकी अलग से एक चेन है जिसको हम बीकन चेन भी बोलते हैं, जो प्रूफ ऑफ स्टेक में काम करती है। तो बेसिकली जो इथेरियम की जो मेन नेट है वो कुछ ही टाइम में मर्ज हो जाएगी या ज्वाइन कर लेगी बीकन चेन को, और बीकन चेन है प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉक चेन। और ये कोई नई ब्लॉक चेन नहीं है, कुछ टाइम पहले इसको बनाया गया था और इथेरियम मेन नेट के साथ ये पैरेलली वर्क कर रही थी। बट इथेरियम के जो मेंटेनर है वो इथेरियम मेन नेट को मर्ज कर रहे हैं बीकन चेन के संग। तो बेसिकली अगर आप देखें तो प्रूफ ऑफ वर्क से, जो इथेरियम की मेन नेट अभी प्रूफ ऑफ वर्क से है, वो जा रही है प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ। सो सिंपली ट्रांजिशन ऑफ इथेरियम फ्रॉम प्रूफ ऑफ वर्क टू प्रूफ ऑफ स्टेक इज इथेरियम मर्ज। तो बीकन चेन कोई नई नहीं है, और बीकन चेन के ऊपर एक नया वीडियो बना देंगे कि बीकन चेन क्या है और प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है और इथेरियम में ये कैसे काम करता है। तो हमने जान लिया कि इथेरियम मर्ज क्या है, अब बात करते हैं इथेरियम मर्ज हो क्यों रहा है। तो अगर आप इथेरियम के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा इथेरियम माइन करने के लिए बहुत सी एनर्जी लगती है, बड़े बड़े GPU प्रोसेसर लगते हैं इथेरियम को माइन करने के लिए। और जो माइनर होते हैं बेसिकली कुछ नहीं होते, उनकी जो GPU होते हैं वो जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं वो करते हैं, वैलिडेशन करते हैं, और उसके बाद जो इथेरियम का जो ब्लॉक होता है वो जनरेट होता है। तो इसमें काफ़ी सारी जो एनर्जी है वेस्ट होती है। तो इथेरियम के जो कर्ता धर्ता हैं उन लोगों ने सोचा कि यार इसमें ना बहुत एनर्जी वेस्ट हो रही है और हम अच्छे से स्केल भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो माइनर्स हैं सारा कंप्यूटेशनल पावर सब कुछ माइनर के हाथों में। कल को अगर किसी माइनर ने अपनी मशीन बंद कर दी तो क्या होगा, कोई स्टेबिलिटी नहीं रह जाएगी। अगर मान लीजिए एक माइनर से तो नहीं होता, मान लीजिए बड़ा पूल है माइनर्स का, और बड़े पूल ऑफ माइनर्स ने अगर अपनी माइनिंग बंद कर दी तो खैर ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इथेरियम का प्राइस काफ़ी अच्छा है, बट अगर कर दी तो क्या होगा, कोई इसकी स्टेबिलिटी नहीं रह जाएगी इथेरियम की। तो पहला रीज़न ये हो गया, और दूसरा रीज़न ये हो गया कि जो इथेरियम की जो माइनिंग होती है उसमें बहुत सी एनर्जी वेस्ट होती है। तो अब इन लोगों ने सोचा कि यार इथेरियम को मोर स्टेबल बनाते हैं, मोर स्केलेबल बनाते हैं, इसके लिए बेस्ट जो है, इन्होंने जो पहले से एक चेन स्टार्ट कर रखी थी बीकन चेन जो प्रूफ ऑफ स्टेक पे डिपेंड करती है, तो अब सारा कुछ उसमें मूव कर देंगे जिससे हमारी जो इथेरियम की जो चेन है, जो इथेरियम है वो स्टेबल हो जाएगा, स्केल कर सकते हैं, और जो एनर्जी कंजप्शन है, जो कार्बन फुटप्रिंट जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही कम हो जाएगा, जैसे मैं बता रहा 99.95% डाउन हो जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा चेंज है इथेरियम के लिए और ये बहुत ही बैड न्यूज़ है इथेरियम माइनर्स के लिए। तो अब बात करते हैं क्या इथेरियम मर्ज के बाद इथेरियम की जो माइनिंग है वो बंद हो जाएगी। तो इसका आंसर है हाँ। तो आई नो ये इथेरियम माइनर्स के लिए बहुत गंदी न्यूज है, क्योंकि जो इनके GPU होते हैं बहुत ही महंगे होते हैं, और आजकल तो माइनिंग की वजह से GPU की जो कॉस्ट है वो और भी बढ़ गई है। लेकिन अब जो माइनर्स हैं उनको ये अपना धंधा करना पड़ेगा बंद, या फिर उन्होंने मूव करना पड़ेगा किसी और क्रिप्टो करेंसी में जो कि वो अपने GPU से माइन कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि ये इथेरियम मर्ज होने कब वाला है। तो जैसे मैं पहले बता रहा था कि इथेरियम मर्ज काफ़ी बार डिले हो चुका है, हो सकता है कि इस बार भी डिले हो जाए, बट अभी की जो सॉफ्ट डेट है वो है 19 सितंबर, माने कि 19 सितंबर को ये मर्ज हो जाएगा। ये सॉफ्ट डेट है, कोई हार्ड डेट नहीं है, हो सकता है आगे को एक्सटेंड हो जाए, बट ओवरऑल Q3 Q4 ऑफ दिस ईयर ये पक्का है कि इथेरियम मर्ज हो जाएगा। मे बी इस क्वार्टर में हो या अगले क्वार्टर में हो, बट इस बार श्योरिटी है कि हो जाएगा, बट यू नेवर नो, इथेरियम मर्ज की डेट आगे भी बढ़ सकती है, बट ये होना जरूर है।
तो जितने भी इथेरियम के माइनर हैं, आई वुड रिक्वेस्ट कि भाई कुछ दूसरे क्रिप्टो करेंसी को माइन करो या अपने जीपीयू का कहीं और सदुपयोग करो। तो हम बात कर लेते हैं कुछ मिसकंसेप्शन को लेके जो इथेरियम मर्ज के होने से हो रही है। सबसे बड़ी बात जो आ रही थी कि इथेरियम मर्ज के बाद जो इथेरियम की जो गैस फीस होती है ट्रांसफर करने में वो बहुत कम हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इथेरियम की जो गैस फीस है वो वैसे ही रहेगी, सिर्फ जो कम हो रहा है वो है एनर्जी कंजम्पशन, क्योंकि अब माइनिंग नहीं होने वाली, तो जो एनर्जी यूज होती थी इथेरियम को माइन करने में अब वो नहीं होगा। तो दूसरा जो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है इथेरियम मर्ज को लेके कि वो यह है कि जो इथेरियम का जो लोग नोड रन करेंगे उसके लिए उनको 32 इथेरियम स्टेक करने पड़ेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, 32 इथेरियम आपको स्टेक करने की जरूरत नहीं है इथेरियम नोड रन करने के लिए। तीसरा जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि इस मर्ज के बाद जो इथेरियम की जो ट्रांसफर स्पीड है वो बहुत बढ़ जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि जो इथेरियम की जो ट्रांसफर होगा, जो इथेरियम अब भी ट्रांसफर होगा वो लेयर वन में ही होगा, तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला इथेरियम की स्पीड को लेकर। और कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि जो अगर इथेरियम मर्ज हो जाएगा तो उसके बाद जो उन्होंने इथेरियम स्टेक करे हैं वो उसको निकाल सकते हैं, बट ऐसा नहीं होने वाला, आप अपने स्टेक किए हुए इथेरियम अभी नहीं निकाल सकते जब तक आगे शंघाई वाला अपडेट नहीं आ जाता। तो अगला जो बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों का वो ये है कि जब इथेरियम का ये मर्ज होगा तो जो इथेरियम की जो चेन है वो डाउन हो जाएगी, तो कोई भी डाउन टाइम इसमें नहीं होने वाला, जीरो डाउन टाइम वाला ये मर्ज होने वाला है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। तो अगर आपको कोई और क्वेश्चन है इथेरियम मर्ज को लेके, कोई और क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप प्लीज कॉमेंट करके बताइए और मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। तो इथेरियम मर्ज के बाद आप इथेरियम अर्न कर सकते हैं स्टेकिंग से, और टोटल चार टाइप की इथेरियम स्टेकिंग होती है, सोलो होम स्टेकिंग, स्टेकिंग एज अ सर्विस, और फिर पूल स्टेकिंग, और सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में जो आप स्टेकिंग करते हैं वो होती है। तो चार टाइप की स्टेकिंग है, और सबसे इजी और जिसमें सबसे कम इथेरियम लगते हैं वो है पूल स्टेकिंग, और उसके अपने रिस्क होते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ स्टेकिंग के ऊपर। बट इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपके पास 32 इथेरियम नहीं है स्टेक करने के लिए तो आपको करना पड़ेगा पूल स्टेकिंग, जो थर्ड पार्टी होती है वो प्रोवाइड करती है। तो चलिए जल्दी से समरी देख लेते हैं इथेरियम मर्ज क्या है और इसमें क्या होने वाला है। तो सबसे बड़ी बात है इथेरियम मर्ज में कि इथेरियम की जो मेन नेट है वो मर्ज हो जाएगी बीकन चेन के साथ, मतलब कि प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में चले जाएगा इथेरियम, और इसके कारण जो इथेरियम का एनर्जी कंजप्शन है वो बहुत कम हो जाएगा, और इथेरियम आगे चल के स्केल भी कर सकते हैं, जैसे शेडिंग वगैरह इथेरियम में आने वाली है, तो तभी होगा जब इथेरियम मर्ज होगा, और शेडिंग के बारे में पूरा वीडियो आएगा बाद में। तो आई होप ये इथेरियम मर्ज के ऊपर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ आपको इससे सीखने को मिला होगा। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अब मैं आपसे मिलूंगा अगले किसी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो संग, टिल देन इन्वेस्ट सेफली एंड इन्वेस्ट वाइजली।